और महंगाई पर प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली और बीजेपी ने कहा कि ईडी की जांच में फंसने के बाद राहुल गांधी को हिंदुस्तान में हिटलर शाही नजर आने लगी। कल तक ईडी की पूछताछ से तिलमिलाई कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर आई। इस बार मुद्दा चुना कमर तोड़ महंगाई। प्रदर्शन का बिगुल राहुल गांधी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठकर फूका, सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, हिंदुस्तान की तुलना हिटलर वाले जर्मनी से की, लोकतंत्र का मरसिया पढ़ा और कहा महंगाई का मुद्दा उठाने पर हमें गिरफ्तार किया जाता है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है पार्लियामेंट हाउस में, हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें। कांग्रेस के प्रदर्शन का प्रोग्राम पहले से फिक्स था, इसलिए कार्यकर्ताओं ने तय समय पर रोड पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा लगा कांग्रेस मुख्यालय के सामने। प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, इसीलिए 10 जनपद के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त था, लेकिन महंगाई का ग्राफ गिराने निकले प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए। ये सच है कि महंगाई का मुद्दा हर घर से, हर आम आदमी से जुड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सड़क पर संग्राम से वाकई दाम घटेंगे। राहुल ने जब केंद्र सरकार की तुलना हिटलर से की तो बीजेपी ने काउंटर अटैक करके कांग्रेस से ही सवाल पूछ लिया। मुद्दा आम आदमी की जेब पर चलती महंगाई के नश्तर का था, लेकिन बाह पर काली पट्टी बांधकर राहुल जब रौ में आए तो लोकतंत्र का इतिहास खंगालते खंगालते भूगोल की बाउंड्री लांग गए। कहा चुनावी जंग हारना बड़ी बात नहीं, क्योंकि जीत तो जर्मनी वाले हिटलर की भी हुई थी। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। मोर्चा संभालने में बीजेपी ने भी देरी नहीं लगाई। फ्रंट पर आए रविशंकर प्रसाद कांग्रेस पर काउंटर अटैक किया और जवाब देने की जगह सवाल पूछ लिया। कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं। कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है वो परेशान है, और उसकी व्यथा राहुल गांधी की बातचीत में दिखाई पड़ती है। महंगाई वो चक्की है जिसमें पिस्ती भले ही हम जनता हो, लेकिन शान सियासत को मिलती है, राजनीति नेताओं की चमकती है। हर बार की तरह इस बार भी यही हो रहा है। कांग्रेस ने फ्राइडे को फाइट डे बनाया तो एक्शन भी हुआ। राष्ट्रपति भवन जा रहे राहुल समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने काले कपड़ों में संसद पहुंचकर सबसे पहले टोन सेट किया, फिर प्रदर्शन के लिए फाइनल हो चुकी रणनीति पर साथियों से बात की और कांग्रेस के दिग्गजों का काफिला संसद से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने लगा। काले कपड़ों में सिर्फ राहुल ही नहीं थे बल्कि सोनिया गांधी से लेकर नेहरू गांधी परिवार के करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद जैसे तमाम नेताओं के कपड़े एक जैसे थे। कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ कांग्रेस के बड़े नेता राष्ट्रपति भवन घेरने निकले थे, लेकिन विजय चौक पहुंचने के बाद पुलिस ने राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, रंजीत रंजन समेत ज्यादातर नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट से दो निशाने साधने की कोशिश की, सरकार की नीतियों पर विरोध जताया और एकजुट होने का संदेश देने का प्रयास भी किया, लेकिन इसकी टाइमिंग ने विरोधियों को सवाल उठाने का मौका भी दे दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या इस विरोध प्रदर्शन का राहुल और सोनिया के खिलाफ ईडी के एक्शन से वाकई कोई लेना देना नहीं है? क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।